अस्सलाम वालेकुम, ये है चैप्टर नंबर 9। सेकंड वीडियो है चैप्टर नंबर 9 की। इसके अंदर हम लोग सीखेंगे की ऑप्टिमाइजेशन टिप्स, कि हम क्या हम लोग अपनी ऑप्टिमाइजेशन कैसे कर सकते हैं अपनी वेबसाइट की। क्या वो देखिए, इसके लिए हमारे पास चार डिफरेंट चीज़ें हैं। इम्प्रूविंग ROI, इम्प्रूविंग कीवर्ड्स, इम्प्रूविंग एड टेक्स्ट और इम्प्रूविंग बिड्स। अब हम लोग एक एक करके एक्सप्लोर करते हैं। इम्प्रूविंग ROI, यूजर रेलिवेंट लैंडिंग पेज। लैंडिंग पेज आपका हमेशा, जैसे मैं पहले भी बताता रहा हूँ कि आपका लैंडिंग पेज आपके कंटेंट से रेलिवेंट होना चाहिए, मतलब जिस चीज़ के ऊपर आपकी, अगर आपकी कोई कार सेलिंग की वेबसाइट है तो आपकी कार सेलिंग ही होनी चाहिए बीच में। आप उसमें आलू या प्याज वगैरह नहीं बेच सकते। और इसके बाद आती है यूज हाईली रिलेटिव कीवर्ड्स, रेलिवेंट कीवर्ड्स। आपके जो कीवर्ड्स होने चाहिए वो रेलिवेंट होने चाहिए आपके कंटेंट के। आप मतलब सेम वही एग्जांपल कि अगर आपने गाड़ी की लगाई है तो का कीवर्ड होंडा होना चाहिए या सिविक होना चाहिए या इस टाइप का नाम होना चाहिए, ना कि आलू प्याज या इस टाइप की चीज़ें। इंक्रीज बिड्स ऑन प्रोफाइल प्रॉफिटेबल कीवर्ड्स, और जो कि जो के कीवर्ड्स प्रॉफिटेबल हैं, जो कि आपको मतलब फायदा हो जाते हैं, उनके ऊपर आप बिड्स को इंक्रीज कर दो। कंसिडर एक्सपेंडिंग इन टू गूगल डिस्प्ले नेटवर्क। आगे आती है बारी इम्प्रूविंग कीवर्ड्स, यूज नेगेटिव कीवर्ड्स। आप जो है नेगेटिव कीवर्ड्स को, मतलब बुरे जो कीवर्ड्स होते हैं ना, उनको भी यूज़ किया करो। मतलब अब किसी, कई लोग होते हैं वो बुरे कीवर्ड्स के साथ ही सर्च कर देते हैं, तो आपकी वेबसाइट तब भी, तब अगर आपने बुरे कीवर्ड इस्तेमाल किए हुए तो तब भी आपकी वेबसाइट जो है वो शो होगी। रिमूव डुप्लीकेट कीवर्ड्स, के अगर आपने हॉर्डना दो दफ़ा लिख दिया तो आप उसको रिमूव करके बस एक ही दफ़ा लिखें। ऑप्टिमाइज लो परफॉर्मिंग कीवर्ड, आपके जो कीवर्ड जिनके ऊपर बहुत ही लो ट्रैफिक आ रही है, आप उनको या उनको ऐसा चेंज करें कि उनके ऊपर ज़्यादा ट्रैफिक है, या उनको रिमूव करके उनकी जगह कोई और अच्छा कीवर्ड यूज़ करें। इम्प्रूविंग एड टेक्स्ट, यूज कीवर्ड्स इन योर एड टेक्स्ट, आपके एड टेक्स्ट के अंदर कीवर्ड्स होने चाहिए। इंक्लूड अ कॉल टू एक्शन, आपका कॉल टू एक्शन की ऑप्शन होनी चाहिए। प्री क्वालिफाइड ट्रैफिक, आपकी पहले से ट्रैफिक भी होनी चाहिए। और यूज एड एक्सटेंशंस, के आपको डिफरेंट एड के एक्सटेंशन यूज करनी चाहिए। इम्प्रूविंग बिड्स, एक्सपेरिमेंट विद वेरियस बिड्स, आपको डिफरेंट बिड्स के साथ एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। एलोकेट बजट बेस्ड ऑन ROI, आपको बजट बनाना चाहिए जो कि ROI पे बेस्ड हो। और यूज बिड्स एडजस्टमेंट्स,